क्लास इलेवन चैप्टर नंबर थर्टीन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज थर्टीन आर डी सर एक्सरसाइज थर्टीन टू पॉइंट टू का एग्जाम्पल नंबर टेन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग इक्वलिटीज होल्ड ठीक है तो हम क्या करेंगे इमेजनरी पार्ट को एक तरफ लिखेंगे और रियल पार्ट को एक तरफ तो अब मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा वन इंटू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अयोटा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एटा इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एडा एक्स ठीक है आप रियल पार्ट को रियल एक साथ रखो और इमेजनरी पार्ट को एक साथ रखो देखिए जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है वो क्या होता है वो रियल पार्ट हो जाता है और जिसमें आयोटा प्रेजेंट है वो इमेजनरी पार्ट तो आप इनको साथ में रखो और आप इसमें से आयोटा कॉमन कर लो तो क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस एयोटा है ठीक अब अब देखो ए प्लस अयोटा बी इक्वल टू सी प्लस एयोटा डी रहे ठीक है तो क्या होता है ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी ठीक है तो अब यहाँ पे भी यही करो मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू टू एक्स एंड वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स ठीक है ठीक है अब इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकेंड तो वाई फर्स्ट एंड सेकेंड आप इस एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू टू एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर प्लस वन ठीक है आप इसको इधर शिफ्ट करो यहाँ पर टू आ जाए टू से मल्टीप्लाई करो ना इसको इधर ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू इक्वल टू टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर हो जाएगा प्लस माइनस टू ठीक है देखो तो बाय सेकेंड वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स है वाई स्क्वायर की वैल्यू है फोर प्लस वन इक्वल टू एक्स तो एक्स आपका फाइव हो जाएगा ठीक है अब देखो वाई की जगह आप माइनस टू भी रखो देखिए जैसे आपने माइनस टू रखा तो माइनस टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा और टू भी रखा तो क्या हो जाएगा टू तो का स्क्वायर फोर मतलब आपको यहाँ पर फोर ही आएगा इसलिए आपका क्या बनेगा एक्स इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू फाइव और वाई एंड वाई इक्वल टू माइनस टू ठीक है ये बन जाएगा सेकेंड पार्ट है एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स आयोटा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई इक्वल टू तो थ्री माइनस फाइव आयोटा प्लस वन प्लस टू आयोटा ठीक है एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स आयोटा आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस आयोटा वाई ठीक है यह हो जाएगा थ्री माइनस फाइव आयोटा प्लस वन प्लस टू आयोटा वाई देखो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा फोर और अब इसमें से आयोटा कॉमन करो तो ये हो जाएगा टू आई माइनस फाइव ठीक है देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मतलब जिसमें जो टर्म प्रेजेंट है उनको साथ में रखो और जिसमें प्रेजेंट है उनमें उनको साथ में रखो तो इन दोनों को साथ में आप रखो एक्स के पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और इन दोनों में आप अरोटा कॉमन करो तो क्या रह जाएगा टू एक्स माइनस वाई ठीक है क्या करूँ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर इसको फर्स्ट बोल दो एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू वाई माइनस फाइव ये सेकेंड हो जाए ठीक है यही होगा अब आप इसको इधर शिफ्ट करो ये हो जाएगा एक्स के पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू सिक्स ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये क्या बनेगा माइनस फोर एक्स के पावर फोर ठीक है अब हम मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट ये बन जाए मतलब हम माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि इनका प्रोडक्ट ये बन जाए तो आप माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो माइनस फोर एक्स फोर चाहिए ना तो आप ऐसा लिख सकते हो ना माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ पे काम करो ये माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर अब देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर फोर ठीक है हम इसको ऐसा स्प्लिट करें एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो यहाँ तो है आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और यहाँ से वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब आप देखो आप x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर को कॉमन करो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब आप देखो फोर को क्या लिख सकते हो टू का स्क्वायर लिख सकते हो तो आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बे स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बे इंटू ए प्लस बी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स हो जाएगा टू और एक्स हो जाएगा माइनस टू ठीक है अब देखो एक बार अब देखो एक्सक्वा टू माइनस वन तो x क्या हो जाएगा रूट माइन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अब हम देखो ये क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा ये इमेजनरी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इमेजनरी हो जाएगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे क्यों नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो देखिए क्वेश्चन में क्या आ आएगा रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कि वो रियल होगी लेकिन यहाँ पे क्या आ गई कॉम्प्लेक्स आ गई इसलिए हमने इसने निग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ से हमको एक्स की दो वैल्यू मिली है टू और माइनस टू ठीक है अब एक एक करके यहाँ पर रिप्लेस करो ये क्या बन जाएगा इस फाइव को इधर टू एक्स प्लस फाइव इक्वल तो टू टू वाई प्लस वाई तो हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू तो थ्री वाई तो यहाँ से वाई हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री तो वैन एक्स इक्वल टू टू ये हो जाएगा टू इंटू टू प्लस फाइव अपॉन थ्री ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री नाइन अपॉन थ्री थ्री के टेबल से आंसर होगा थ्री हो जाएगा ठीक है तो एक एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू थ्री एक पेयर बन गया वैन एक्स इक्वल टू माइनस टू ठीक है तो माइनस टू के केस में क्या होगा वाई इक्वल टू टू माइनस टू प्लस फाइव अपॉन थ्री ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री ये हो जाएगा वन बाय थ्री ठीक है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई इक्वल टू वन बाई थ्री ये सेकेंड हो ठीक है आप देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर इलेवन है इफ ए प्लस एोटा बी इक्वल टू सी प्लस एयोटा अपॉन सी माइनस एयोटा वेयर सी इज अ रियल प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड बी बाई ए इक्वल टू टू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके इक्वेट करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सी ठीक है देखो ए प्लस b बीवल टू सी प्लस अयोटा बॉन सी माइनस है ठीक है हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब तो इक्वेट करेंगे ना जैसे अगर ए प्लस अयोटा बी इक्वल टू सी प्लस एटा डी रहे तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे आप देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपका क्या है सी माइनस एटा आप इसका साइन अपोजिट कर दो जैसे बीच में नेगेटिव है तो अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हो गया सी प्लस एटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ठीक है ये हो जाएगा सी प्लस का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी ये हो जाएगा सी स्क्र माइनस एयोटा का स्क्वायर ठीक है अब आप इसको ओपन करो ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ये क्या हो जाएगा ए स्क्यर प्लस टू ए बी प्लस बी ठीक है ये हो जाएगा सिक्स सी स्क्र टू टू ए बी मतलब टू सी आयोटा मतलब यह हो जाएगा टू सी आयोटा और प्लस एयोटा का स्क्वायर ठीक है और अब देखो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है तो ये माइनस वन आस एयोटा भी, भी।, भी ए तो प्लस अयोटा भी इक्वल टू से हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन ठीक है यहाँ तक ठीक है अब आप क्या करो इमेजनरी पार्ट को एक, एक साइड लिखो और रियल पार्ट को देखिए इन दोनों को साथ में लिखो सी स्क्वायर माइनस वन टू सी आटा अपॉन से स्क्वायर प्लस वन यहाँ तक ठीक है इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा भी इक्वल टू सेवायर माइनस वन अपॉन से स्क्वायर प्लस वन प्लस टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन आयोटा ठीक है अब कंपेयर कर लो देखो ए क्या है एक वाल देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं तो ए हो जाएगा ए हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन से स्क्वायर प्लस वन और बी हो जाएगा आपका टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन ठीक है देखिए फर्स्ट में हमको क्या करना है प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है तो देयर फॉर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र निकालो देखो हमने क्या है, ए और बी की वैल्यू निकाल ली और हम एल एच एस लिखिए ये प्रूफ करेंगे इसका स्क्वायर ये हो जाएगा से स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन से स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू सी का होल स्क्वायर अपॉन से स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अब देखो डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा ठीक है यही होगा अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्यर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ये क्या होगा सी स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा सी की पावर फोर ठीक है माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वन सी स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस टू सी स्क्वायर और फिर वन का स्क्वायर वन और ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है यहाँ तक ठीक है यह हो जाएगा सी की पावर फोर माइनस टू प्लस फोर यह हो जाएगा प्लस टू से स्क्वायर प्लस वन अपॉन से स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना देखिए सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं सी का स्क्वायर यह हो गया टू से स्क्वायर प्लस वन देखो ए ए का स्क्वायर ए बी वन है और ये बी का स्क्वायर सो ले प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर प्लस वन का ठीक है या फिर आप इसको ओपन करना इसको ओपन करना आप देखना यही बनेगा ठीक है इक्वल टू वन तो आपका प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट बी बाई ए बी की वैल्यू है टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन और इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये टर्म और ये टर्म के आंसर ये हो गया टू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन प्रूफ हो गया ठीक है नेक्स्ट ट्वेल्व पार्ट है इफ एक्स प्लस अयोटा की होल पोर वन बाई थ्री प्लस ए प्लस अयोटा भी एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू रियल सो दैट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी टू फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है एक्स प्लस एयोटा वाई की होल पावर वन बाई थ्री इक्वल टू ए प्लस एयोटा वाई ठीक है आप कर दो क्यूबिंग क्यूबिंग बोथ साइड ये क्यूब वन पावर वन बाई थ्री हट जाएगा यह हो जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी का होल क्यूब ठीक है यही होगा अब आप क्या करो इसको ओपन करो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू ठीक है ये आपका ए है और ये आपका बी है ए क्यू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी बी के जगह आयोटा बी प्लस बी स्क्वायर बी के जगह आयोटा बी का स्क्वायर प्लस आयोटा बी का ठीक है ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा आप देखो आयोटा बी का स्क्वायर है ना तो फिर पावर क्या होगा का, का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन और बी का स्क्वायर जो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी का स्क्वायर ये माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर ठीक है अब देखो आयोटा बी का क्यूब को हम क्या कर सकते हैं पावर अलग अलग कर करते जैसे अगर ए का पावर एम एन है तो हम ऐसा कर सकते सॉरी अगर ए बी का पावर एन है तो हम ऐसा कर सकते हैं ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन यहाँ पे भी करेंगे अयोटा का पावर क्यू इन बी का पावर क्यू अयोटा का क्यू अयोटा का क्यू माइनस एयोटा ये हो गया माइनस अयोटा बी का क्यू तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एयोटा बी का क्यूब लिख सकते हैं तो हो माइनस अयोटा बी का क्यूब ठीक है अब आप देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन कर सकते हो ए कॉमन कर सकते हो तो ए कॉमन करोगे तो क्या रह जाएगा ए स्क्वेर माइनस थ्री बी स्क्वे ठीक है इन दोनों में से अब आयोटा देखिए इन दोनों में से बी और आयोटा कॉमन करा तो क्या बना थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया एक्स प्लस आयोटा ठीक है आप इसको थोड़ा और अच्छा से लिखो ए ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस बी थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया एड्डा ठीक है अब आप क्या करोगे यहां इक्वेटिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ तो आपका एक्स हो जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर एंड वाई इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो तो वाई आपका क्या हो जाएगा आप देखो y और ये पूरा y और फिर ठीक है तो y आपका हो जाएगा b थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल एच एस हम लोग एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी एक्स क्या है एक्स की वैल्यू है ए ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन ए y की वैल्यू है b थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी ए से a कैंसल b से b कैंसल ये क्या बना ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस प्लस जाएगा थ्री ए स्क्र माइनस बी स्क्वायर ठीक है थ्री ए स्क्र प्लस ए स्क्र ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्र माइनस बी स्क्वेयर फोर बी स्क्र अब यहां से फोर कॉमन करो ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र आप देखो यही प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया आप देख लो एग्जाम्पल नंबर थर्टीन है थ्री माइनस टू आयोटा मल्टीप्लाई दिस आप इसको ऐसा लिखो जेड के एक ले लो तो आप इसको ऐसा लिख दो z मल्टीप्लाई इट्स इट्स इट मतलब इसका conjugate से इसको मल्टीप्लाई करो कॉन्जुगेट हमको बेसिकली क्या निकालना है z, into z का कॉन्जुगेट निकालना है ठीक है हम देखो मल्टीप्लाई इस नंबर को मल्टीप्लाई दिस किससे मल्टीप्लाई करना है तो भाई इसके इसकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देना होता है देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है यही करना है। तो आप मल्टीप्लाई करो z इंटू जेड के कौन सो गेट थ्री माइनस टू आई ओटा थ्री प्लस टू ओटा अब देखो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू आई ओटा का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन हाँ देखो टू आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर इंटू एयोटा का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर आयोटा का स्क्वायर माइन माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस फोर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो थर्टीन हो जाएगा एक और मेथड होता है कि आप प्रॉपर्टी यूज कर लो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर जेड इंटू जेड का कौन है ये किसके बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर के बराबर होता है तो आप मॉडुलस ऑफ जेड का मॉडुलस ऑफ Z कैसे निकालते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही करते हो ये हो जाएगा ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर थर्टीन अब देखो दोनों सेम आ गए ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर्टीन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस हमको मान लो आप इसको z के इक्वल ले लो हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना मतलब बेसिकली हमको z का कॉन्जुगेट निकालना है ठीक है अब आप ऐसा मत कर देना कि इसको बोल देना वन माइनस थ्री वन अपॉन थ्री माइनस थ्री माइनस फोर आउट ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है एक्स प्लस एयोटा वाई के फॉर्म में होता है और इसका जो होता है कॉन्जुगेट ये एक्स माइनस अरोटा वाई होता है मतलब हमको इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देना होता है ठीक है लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए हम ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो रेशनलाइज करो तो इसका रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर को देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है थ्री प्लस फोर है ठीक है और आप बीच का साइन देखो बीच का साइन पॉजिटिव है हैं तो आप क्या करो इसको नेगेटिव कर दो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर मतलब साइन को बस अपोजिट कर देना होता है ठीक है ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस फोर आयोटा का स्क्वायर थ्री माइनस फोर आयोटा थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर आयोटा का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा फोर का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन ठीक है ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन ये हो जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन ठीक है ये आपका जेड थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन सिक्सटीन प्लस नाइन ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे तो थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है ठीक है आप देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है अब आप क्या करो साइन अपो मतलब इसका कॉन्जोगेट निकालने के लिए इसका साइन इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर दो ये थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव है ना ये इमेजनरी पार्ट का साइन क्या है नेगेटिव तो आप इसको पॉजिटिव कर दो फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव आयोटा ठीक है हम देख लो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फिफ्टीन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो फाइंड देयर कॉन्जुगेट हमको इसका कॉन्जुगेट भी नहीं ठीक है तो आप इसको स्टैंडर्ड इस देखिए पहले क्या बोला आप इसको स्टैंडर्ड इस फॉर्म में कन्वर्ट करो उसके बाद इसका कॉन्जोगेट निकालो ठीक है तो पहले आप इसको के ले लो वन माइनस एयोटा अपॉन वन प्लस ठीक है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता ए प्लस iota भी यही क्या कह कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ठीक है तो आप इसको कन्वर्ट करने इस, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो रेशनलाइज कर दो रेसनलाइज कैसे करेंगे आप देखो बीच का साइन क्या है पॉजिटिव है तो आप इसको इसको अपोजिट कर दो अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ठीक है ये हो जाएगा वन माइनस का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये क्या बनेगा अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र यह हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस अर का स्क्वायर ठीक है जेड इक्वल टू देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होता है आप इसको ओपन करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी ये हो जाएगा वन इन टू एयोटा टू आयोटा माइनस टू एटा हो गया प्लस बी का स्क्वायर दैट इज अयोटा का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर वन और अयोटा का स्क्वायर माइनस वन ठीक है वन का स्क्वायर वन ये हो गया माइनस टू एयोटा और एयोटा का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस वन टू हो जाएगा ये वन से ये माइनस वन के अंदर ठीक है ये हो गया माइनस टू एटा अपॉन टू ये हो गया माइनस एयोटा ठीक है तो जेड आपका क्या हो गया माइनस एयोटा ठीक है हम देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो जीरो माइनस आयोटा ठीक है आप अब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुकेट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना आपको इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देना है आप देखो इमेजनरी पार्ट का साइन क्या है नेगेटिव है ना इसको देखो नेगेटिव है ना तो आप इसका साइन अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आपका जेड का कॉन्जुकेट हो जाएगा ठीक है या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर देना होता है क्या करना होता है माइनस आयोटा तो ये आयोटा था इसके जगह आपने माइनस आयोटा रिप्लेस किया तो ये आपका क्या हो गया आयोटा ही हो गया ठीक है सेकेंड पार्ट है वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस आयोटा ठीक है तो आप इसको जेड के इक्वल ले लो वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस आयोटा देखिए हमको क्या करना है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद फिर हमको कॉम्प्लेक्स आर्गू सॉरी कॉन्जुगेट निकालना है ठीक है तो आप इसको कन्वाइन करो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए प्लस एयोटा बी के फॉर्म ठीक है वन प्लस एरोटा का होल स्क्वायर अपॉन अब क्या करो रेशनलाइज करो ये हो गया थ्री माइनस एरोटा अब क्या करो साइन को अपोजिट जैसे डिनोमिनेटर में क्या है साइन है थ्री माइनस है ना तो आप इसको साइन को अपोजिट कर दो थ्री माइनस एयोटा का अपोजिट साइन करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री प्लस एरोटा यही है हम देखो क्या करो रेशनलाइज कर दो तो देखिए थ्री माइनस एरोटा है ना तो आप इसका अपोजिट साइन अपोजिट कर दो थ्री माइनस एरोटा तो इसका मिडिल का साइन हमको क्या करना होता है अपोजिट कर देना थ्री माइनस एटा तो क्या आ जाएगा थ्री प्लस एरोटा आ जाएगा इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ठीक है आप इसको ओपन करो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होता है वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये जाएगा टू आयोटा और फिर प्लस अयोटा का स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस एयोटा अपॉन यो जाएगा थ्री माइनस एयोटा इंटू थ्री प्लस एयोटा ठीक है वन का स्क्वायर वन प्लस टू एयोटा और अयोटा का स्क्वायर माइनस वन थ्री प्लस एयोटा यहाँ पे लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्यर ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस एरोटा का स्क्वायर ये वन से ये माइनस वन के आंसर ये z इक्वल टू टू iota थ्री प्लस एटा अब थ्री का स्क्वायर नाइन और iota का स्क्वायर iota का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा माइनस वन ठीक है आप मल्टीप्लाई करो यह हो जाएगा सिक्स आयोटा और ये हो जाएगा टू आयोटा का स्क्वायर नाइन प्लस वन टेन हो जाएगा सिक्स आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन टेन इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब क्या करो आप इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन टेन प्लस सिक्स अपॉन टेन आयोटा टू के टेबल से कैंसिल करो वन और फाइव तो जेड हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव आयोटा ठीक है अब आप क्या करो इसका कॉन्जुगेट निकाल दो इसका कॉन्जुगेट कैसे नहीं देखिए रियल पार्ट को तो एज इट इज लिखना है आपको इमेजनरी पार्ट आप देखो इमेजनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव है ना तो इसका साइन आप अपोजिट कर दो पॉजिटिव का नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय फाइव आयोटा ठीक है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू माइनस आईओटा तो आप इसको जेड के इक्वल लो टू प्लस थ्री आटा अपॉन टू माइनस पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इसका कॉम्सोगेट निकालेंगे ठीक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो रेशनलाइज़ करो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो आप देखो डिनोमिनेटर क्या है टू माइनस आई होटा बीच में क्या है नेगेटिव साइन है तो आप क्या करो इस 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 साइन को अपोजिट कर दो नेगेटिव का क्या आ जाएगा पॉजिटिव आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ये हो जाएगा थ्री टू प्लस थ्री आई होटा इंटू टू प्लस आई हो जाएगा टू माइनस आई इंटू टू प्लस आई ठीक है अब आप क्या करो मल्टीप्लाई करो टू इंटू टू फोर टू इंटू दे टू आयोटा इसको इसके साथ ये हो जाएगा सिक्स आयोटा और इसको इसके साथ ये हो जाएगा थ्री आटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ठीक है फोर प्लस सिक्स प्लस टू एट आयोटा और ये हो गया थ्री और ओटा का स्क्वायर माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस थ्री टू का स्क्वायर फोर और ओटा का स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो जेड हो जाएगा देखिए फोर में से थ्री गया वन प्लस एट आया ओटा फोर प्लस वन फाइव ठीक है यहाँ तक ठीक है आपका अब आप क्या करो थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे होल स्क्वायर था ना यहाँ पे होल स्क्वायर था ठीक है फिर से सॉल्व करो देखिए यहाँ तक ठीक है आप इसको ओपन करो टू प्लस थ्री आटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू टू इंटू थ्री आयोटा क्या हो जाएगा टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और ट्वेल्व आयोटा और फिर इसका स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री आई ओटा का स्क्वायर टू टू का स्क्वायर फोर ट्वेल्व बाई थ्री का स्क्वायर नाइन और का स्क्वायर माइनस तो जाएगा माइनस नाइन तो ये हो जाएगा माइनस तो फाइव प्लस टूवेल्व बाई ये हो जाएगा आप इसको लिख दो माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व बाई ओटा इंटू टू प्लस आयोटा और आप में अपन में ये आ जाएगा टू माइनस आयोटा इंटू टू प्लस आटा ठीक है जेड हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन माइनस फाइव इंटू आई होटा ये हो जाएगा माइनस फाइव आयोटा इसको इसके साथ ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर आयोटा इसको इसके साथ ये हो जाएगा ट्वेल्व आयोटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जाएगा ए का स्क्र माइनस बी का स्क्वायर ठीक है माइनस टेन ट्वेंटी फोर माइनस फाइव नाइनटीन और ये हो जाएगा एटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है तो हो जाएगा माइनस टूल ठीक है अपॉन फोर टू का स्क्वायर फोर और एटा का स्क्वायर माइनस वन हो गया माइनस टेन माइनस ट्वेंटी टू माइनस टेन माइनस वन माइनस ट्वेंटी टू प्लस नाइन्टीन आयोटा और फोर प्लस वन फाइव हो गया ठीक है इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे z हो गया माइनस ट्वेंटी टू अपॉइंट फाइव प्लस नाइनटीन अपॉइंट फाइव आठा ठीक है अब आप इसका कॉन्जोगेट निकालो इसका कॉन्जोगेट क्या आ जाएगा देखिए आपको क्या करना है इमेजनरी पार्ट का देखना है रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है आप इमेजनरी पार्ट को देखो इमेजनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव आ जाएगा मतलब साइन अपोजिट कर देना है आपको इमेजनरी पार्ट या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जगह माइनस एरोटा रिप्लेस कर देटा तो रिप्लेस करू तो ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बोल रहा है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मतलब बोल क्या रहा है कि कि ये दोनों नंबर ना कॉन्जुगेट है एक दूसरे के मतलब ये जो है ना ये नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा या फिर अगर हम ऐसा भी बोल सकते कि ये नंबर इस नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होगा ठीक है ऐसा ही बोल रहा है कि मतलब क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई हमको बताना है कुछ इस तरह से ही विच द कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये और कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा मतलब इसका ही कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ठीक है और अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा मतलब ऐसा कुछ ऐसा बोल रहा है कि मतलब कैसे फिर से कोशिश करता हूँ देखो हमको क्या बोल रहा है ये लाइन मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि यहाँ पे प्लस होगा ठीक ये है मतलब ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट ये मतलब इस मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस नंबर का कॉन्जुगेट जो इस नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा हम बोल क्या रहे हैं कि वन का कॉन्जुगेट जो होगा वो Z2 टू के इक्वल होगा हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं आर कॉन्ज ऑफ द फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस अगर हम इसको जेड वन बोल रहे हैं और अगर हम इस जेड बोल रहे हैं आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर इस लाइन का मतलब है कि अगर ये जेड वन है ना, तो जेड वन जो होगा ना वो जेड टू के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा ठीक है जेड वन जो होगा वो जेड टू के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जेड वन का आप जो कॉन्जोगेट निकालोगे ना वो जेड टू के इक्वल ही आएगा ऐसा हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब यही होता है ठीक है तो हम यहाँ पे ऐसा लेके चल रहे हैं थ्री प्लस एयोटा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर एटा इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट ये होगा ठीक है यही मतलब हुआ कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का अच्छा इसका कॉन्जोगेट क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो आप यही उसका इसका कॉन्जोगेट हो जाएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा ठीक है माइनस थ्री प्लस एटा एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एओटा माइनस ठीक है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट एक करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री एंड और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो ठीक है यहां से y हो जाएगा माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहां से y क्या हो जाएगा माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर ठीक है और इन दोनों देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा ये इम्प्लाइज करेगा कि दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो ये जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस फोर इन दोनों टर्न को इधर शिफ्ट करो ये हो जाएगा इन दोनों टर्न को इधर शिफ्ट किया एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो यही होगा अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो माइनस फोर एक्स की पावर फोर बनना चाहिए अब इसको ऐसा लियो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर देखो इनका प्रोडक्ट यही बनेगा ठीक है अब इनमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसमें से माइनस वन तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट में माइनस अब हम देखो यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ था कि ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस माइनस टू एट ये क्या हो गया इमेजनरी हो गया और यहाँ पे हमें बोल रखा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई की रियल वैल्यू हमें बतानी है और ये क्या हो गया ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो ठीक है अब यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस वन ठीक है एक्स स्क्वायर की जगह वन यहाँ पर रिप्लेस करो ये हो जाएगा माइनस फोर अब देखो वन का स्क्वायर भी वन होगा माइनस वन का स्क्वायर भी वन होगा ठीक है हम यहाँ लिख सकते हो when एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू फिर भी माइनस फोर ठीक है तो ये हो गया आपका देखिए मैं फिर से ये वाला लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब हुआ कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि अगर जेड वन एंड जेड टू जो है आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर अगर ऐसा बोला है ना तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको बोले जेड टू का कॉन्जुगेट निकालो तो वो कुछ नहीं वो जेड वन ही होगा ठीक है कॉन्जोगेट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि z2 का कॉन्जोगेट z1 है और अगर z1 का कॉन्जुगेट बोल दें तो वो z2 हो जाएगा ठीक है यही कंसेप्ट तो हमने इसको z1 वन लिखा z1 और z2 टू मतलब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालने बोले तो ये आ जाएगा और इसका कॉन्जुगेट निकालने बोले तो ये आ जाएगा ठीक है बस इतना ही ठीक है हम देख लो एक बार